मीडिया जगत के साथी भाई मन, आज हमर छत्तीसगढ़ के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज जब हमर सरकार के एक साल पूरा होते और एला हमन जनादेश पर्व के रूप में मनाए के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और ऐसे समय ये छत्तीसगढ़ के जनता ला धन्यवाद देहेबर, हमन ला उद्बोधन देहेबर हमर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से हमन के स्वागत करा और आप सबके भी आज के अवसर में मोर तरफ से हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मोला आज याद आते कि साइंस ग्राउंड के यह मैदान है जुलाई 2023 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पधारे रहिन और भारी बारिश होत रहीस, लेकिन ओकर बावजूद भी पूरे प्रदेश से जनता के जन सैलाब यहाँ उमड़े रहीस और वही दिन ये प्रमाणित हो गए रहीस कि अब ये छत्तीसगढ़ कर जो निकम्मी कांग्रेस के सरकार है एला यहाँ के जनता उकाड़ फेंकी और इतिहास रची। आज ऐसे पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उमला मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आदरणीय हमर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पहले हमर ये प्रदेश के संगठन के प्रभारी भी रहिन और पूरे प्रदेश में लगातार दौरा करके एक एक जिला में, जिला से भी नीचे जाके एक एक नेता एक एक कार्यकर्ता से उमन के संबंध रही से आज भी हमर छत्तीसगढ़ के बहुत नेता कार्यकर्ता हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाय नेम जानते हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं जीवन के नेतृत्व में अभी अभी छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी ला भारी सफलता मिली से मैं चाहूं कि एक बार फिर से आप मनोमन के स्वागत करा। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ ला सौभाग्य मिले रहीस आयुष्मान भारत कार्ड के लॉन्चिंग हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही, बीजापुर के जांगला जगह से हो रही और वो समय भी हमारे भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विराजमान रहीन। तो ये सौभाग्य भी हमारे छत्तीसगढ़ ला मिली, साज पूरे देश के व्यक्ति मलाज आयुष्मान भारत कार्ड में इलाज के लिए 5 लाख रुपया मिला थे। आदरणीय दाई ददामन, एक साल पहले आज के ही दिन हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार यहां शपथ ले रही से और आज मुलाय बताते हुए गौरव होते कि एक साल बाद ठीक आज 13 दिसंबर के दिन आज मुख्यमंत्री के नाते एक साल में मोदी के गारंटी ला जो हमारे सरकार पूरा करी से ओकर रिपोर्ट कार्ड रखे पर मैं आप मन के बीच में खड़ा हूं। लेकिन एक पहले मैं आप मन से बताना चाहूं कि एक पहले 23 के पहले जो 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कुशासन रही बोला याद करना नहीं है लेकिन भूलना भी नहीं है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सरकार भारी जनादेश लेने के बाद भी जन घोषणा पत्र में 36 ठन वादा करे के बाद 1 ठन वादा 5 साल में पूरा नहीं करीस बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन और भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार करते करते पूरे देश में हमर छत्तीसगढ़ के नाम ला बदनाम कर दिन। ऐसा पुराना कांग्रेस के सरकार और पीएससी जैसे जो पवित्र संस्था है,
हमर बेटा बेटी मन के भविष्य के ओमे भी कालिक पोते के काम पिछली कांग्रेस के सरकार करे रहीस। तोला हमला हमेशा याद रखना पड़ी। आज आप मालूम है कि 5 साल गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गिन, 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गिन, एक जन के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने। और सिर्फ इसलिए नहीं बने कि ये आवास बनी तो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के नाम हो ही, और एक लिए गरीब मन के हक छीने के काम। वो कांग्रेस पार्टी के सरकार करीस। आज आप सबला मैं भी बताना चाहूं, यही मैदान है जहां हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये नारा दे रही, नई सहिबो बदल के रहिबो। और आज मोदी के गारंटी में विश्वास करके मोदी जी के नारा नई सहबो बदल के रहिबो ला करके छत्तीसगढ़ के जनता हमर देवतुल्य कार्यकर्ता मन करके दिखा दिन। ये छत्तीसगढ़ के निर्माण भारत रत्न और ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी करीन है, और इसलिए हम नारा दहन हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। काहे कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण भारतीय जनता पार्टी और हमार सरदार नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी करीन है, और ये प्रदेश ला सजाए के संवराए के कर विकास करे की चिंता भी हमला ही करना है। और आज आप मन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहे थे। जो पिछले सरकार में जनता के विश्वास सरकार से उठ गई, आज एक साल में हमने विश्वास ला कायम करे में सफल हुए हन। और जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव के समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रहें कि ये दारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही, जो 5 साल कांग्रेस के सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गिन है, उमन के आवास ला स्वीकृति करना। और आज मोलाई बताते हुए गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला सरकार शपथ लईस, और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 ला पहला कैबिनेट बुलाकर उमे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमारे सरकार देह के काम करीस। ओकर बाद लगातार हमर जो मोदी के गारंटी में वादा रहीस, हमन किसान से वादा कर रहे कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदबो, वो करें 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत देबो, वो भी दहन। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान ये सरकार किसान मन के खरीदीस, 24,72,000 किसान मन के धान खरीदीस, और 2 साल के बकाया बोनस जेकर वादा कांग्रेस पार्टी भी करे रही लेकिन 5 साल में ओकर जिक्र नहीं होइस। हमर सरकार आईस तो पिछले सुशासन दिवस के दिन हमर सदय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर जिन ला हमन सुशासन दिवस के रूप में मनाथन, वो दिन 14 लाख किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देह के काम आप मन के सरकार करीस। उसी तरह से हमन हमर माता बहनी मन से भी वादा करे रहन मोदी की गारंटी में, और वो वादा ला भी पूरा करें। आज महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा हमर माता बहनी मन ला प्रति महीना 1000 रुपया उमन के खाता में सीधे भेजे के काम करत हन। 10 महीना के हमन दे चुके हन, और 6530 करोड़ रुपया ये 10 महीना में हमर माता बहनी मन के खाता में जा चुकी से। आज ये विपक्षी मन के द्वारा अफवाह फैलाई जाते कि ये महतारी बंधन योजना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है,
लेकिन मैं आप मन आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ये महतारी बंधन योजना बंद करने वाला कोई माई के लाल पैदा नहीं हुई थी। और हर महीना पहले तारीख के ही हमारे 70 लाख महिला मनला 1000 रुपया दे के काम हमारे सरकार करी। आज पहले ये छत्तीसगढ़ में गरीब मन के बच्चा मन भूख से उपवास होते रहें, मृत्यु भी हो जातरी, लेकिन हमारे 15 साल के कार्यकाल में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहें तो ये सुंदर पीडीएस व्यवस्था लागू करें। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भूख के नाम नहीं है और 68 लाख गरीब परिवार ला आगे 5 साल तक मुफ्त अनाज देह के योजना भी हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी से। और हमने भी कह रहे हैं कि हमन सुशासन स्थापित करबो। और आप मनला मालूम हुई कि आज पीएससी में जो घोटा हल्ला हो रही से, आज पीएससी में घोटाला के जांच सीबीआई कर थे और ओकर भी दोषीदार मन आज जेल जाना शुरू होगी से, उमन के भी लाइन लगी से, तो ये भी हमन सुशासन। और अब इस साल के जो रिजल्ट निकली से, अभी जो टॉप 10 के बच्चा मन रहें अपन माता पिता के साथ मोर पास में मिले बर आए रही, इतनी खुशी रही उमन के चेहरा में। और जो हमन कार्रवाई कर सन तो हमारे प्रदेश के युवा बेटा बेटी मन के सरकार के प्रति और पीएससी के प्रति विश्वास भी बढ़ी से। और हमन हर विभाग में सुशासन और पारदर्शिता लाइबर डिजिटल गवर्नेंस लागे हमन बढ़ा थन। लाल फीता शाही ला दूर करे बर ई ऑफिस प्रणाली वो शुरू करे हन। और डिजिटल माध्यम से आज हमर सरकार के नोट सीट आगे बढ़ा थे और एकर से समय और जवाबदेही भी बढ़ा थे, तो ये सब काम हमर सरकार करत है। आज बस्तर और सरगुजा जो आदिवासी बहुल संभाग है वहाँ विकास पर सरकार के विशेष फोकस है। और आज इसीलिए जो दोनों संभाग के 13 लाख परिवार जनजाति समाज के जो तेंदुपत्ता से जुड़े हैं, तेंदुपत्ता उमन के आय के मुख्य साधन होते, तो तेंदुपत्ता के कीमत भी 4000 से बढ़ा के 5500 करे हन और बोनस देह के काम भी शुरू करे हन। तो ये काम छत्तीसगढ़ के सरकार करी से। और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी विकास के काम होते। आज आप मतलब बताते हुए मोला गौरव होते कि आज जो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन है वो दुनिया के 20 गांव के पर्यटन के क्षेत्र में चयन करी से, उनमें हमार छत्तीसगढ़ के धुड़मा रास गांव जो कांगेर घाटी में होकर चयन हुई से, ये बड़े सौभाग्य के बात है। अब हमारे छत्तीसगढ़ विश्व पर्यटन के नजर में भी आगे से अब आगे चल के काफी यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास हुई। और पूरा सरगुजा संभाग बस्तर संभाग ला हमन पर्यटन कॉरिडोर में जोड़े के काम करत हन। अभी हमार सरगुजा संभाग में जो मधेश्वर महादेव शिवलिंग है प्राकृतिक, ओला दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के रिकॉर्ड ओला मान्यता मिल गई से, ये भी छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य के बात है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला हमन जो टाइगर रिजर्व बनाए हन, ये हमारे देश के सबसे बड़ा तीसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। और बस्तर और सरगुजा ये भी हमारे डबल इंजन की सरकार के कारण एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा थे। तो हमला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला सुनना है, बताना तो इतना कुछ है, एक साल में इतना सरकार काम करी से कि बहुत टाइम लगी, समय भी ज्यादा होते। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला चुनना है, हमने यहाँ नया शिक्षा नीति भी लागू करे हन। और नया शिक्षा नीति ये शिक्षा के साथ साथ रोजगार के शिक्षा भी देने वाला है। हमन बस्तर जैसे क्षेत्र में नियत नेलानार योजना शुरू करे हन और एकर माध्यम से जो 5 संवेदनशील जिला के 95-96 गांव से ज्यादा गांव है वहां आज सरकार के योजना ला हमन पहुंचाए में सफल हुए हन। लगातार वहां सुरक्षा कैंप खुला थे, गांव में सड़क पहुंचा थे, बिजली पहुंचा थे, घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचा थे। और अभी बस्तर ओलंपिक वहां चला थे, 1,65,000
हमर युवा भाई बहनी मन एमे भाग लेन है। 18 साल से लेकर 35 साल के हमारे से संवेदनशील जिला के भाई बहनी मने बस्तर ओलंपिक में खेलत हैं और एकर से उमन नक्सलवाद से स्पष्ट होते कि उमन मुक्त होना चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। हमने नया उद्योग नीति भी लागू करे हैं और मैं आप मतलब बताता हूं कि आने वाला 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया के निवेश हमारे प्रदेश में आने वाला है और आने वाला 5 साल में करीब 5 लाख बेरोजगार मल्ला हमने ये उद्योग धंधा के माध्यम से रोजगार भी देख में हमन सफल होबो। तो ये सब काम हो से और अंत में मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आज के अवसर में हमन ये जो पिछला 1 साल रहीस इला विश्वास हासिल करे में सफल हुएन और इला विश्वास वर्ष के रूप में हमन मनाए हन। तो आने वाला साल हमर छत्तीसगढ़ रजत जयंती साल में भी पहुंची 25 साल हो ही और हमर छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी जन्मदिवस हो ही 57वीं वर्ष हो ही उमन के। तो आने वाला साल ला जिस तरह से हमर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपन शासन काल में पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़क